किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने नए कृषि कानून को किसानों की तकदीर बदलने वाला बताते हुए कहा कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के भरोसे रहने के बजाय अपनी कृषि उपज के उत्पाद तैयार कर उन्हें एमआरपी पर बेच सकेंगे। कमल पटेल ने कहा कि जिन्हें किसानों की आर्थिक खुशहाली से तकलीफ है वो भ्रम फैलाकर आंदोलन को हवा दे रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान आलू और टमाटर उगाकर उन्हें 4 रुपए किलो में बेच देते हैं, व्यापारी उनकी ग्रेडिंग कर 40 रुपए किलो कमाता है। इसके बाद बी ग्रेड सी ग्रेड की उपज के आलू के चिप्स और सॉस बनाकर 50 गुना तक ज्यादा कीमत में बेचकर मुनाफा कमाता है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का मालिकाना हक दिया है। किसान अब अपने गांव के घरों पर भी लोन लेकर उद्योग लगा सकते हैं। ग्रेडिंग से लेकर कृषि उत्पाद तैयार करने और उसे अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर बेच सकते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नए कृषि बिल किसानों को व्यापारी उद्योगपति निर्यातक होने का अवसर दे रहे हैं, जिससे बिचौलियों को हटाकर कृषि का अधिकतम लाभ किसानों को मिलेगा। जो कृषि सुधार बिल लाए हैं ये किसान की तकदीर तस्वीर बदलने वाले हैं, दशा और दिशा बदलने वाले हैं और घाटे के धंधे खेती को लाभ का धंधा बनाने वाले, आय दोगुना और चार गुना करने वाले हैं। उसको उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं आलू टमाटर पैदा करता हूँ, मेरा मंडी के अंदर 4 रुपए किलो बिकता है, वही व्यापारी उसको 40 रुपए में बेचता निर्यातक को। क्यों? उस आलू वो टमाटर में वो ग्रेडिंग करता है तो 40% ए ग्रेड का माल निकलता है, मिलता है, वो 40 रुपए किलो बेचता, लेता हमसे 4 रुपए किलो में। फिर वो बी ग्रेड का सी ग्रेड का डी ग्रेड का करके वो 4 गुना 5 गुना 10 गुना कमाता है और फैक्ट्री वाला फिर उसको लेता है और फिर वही आलू की चिप्स और टमाटर स्वास वो 10 गुना 20 गुना 30 गुना रेट में हमको 50 गुना रेट में बेचता है। मोदी जी ने नए एक्ट में स्वामित्व योजना दी, एक तो गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, जो ये कमाते थे वो किसान कमाएगा, ये है कानून। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा वह किसी बहकावे में ना आए और कृषि बिलों का खुलकर समर्थन करें और प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाएं कि नए कृषि कानून को शीघ्र अमल में लाया जाए। कमल पटेल ने कहा कि विपक्षी दल और बिचौलिए किसानों को समृद्ध होने नहीं देखना चाहते, इसीलिए भ्रम फैलाकर किसानों को आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन किसानों को अपनी भावी पीढ़ी की आर्थिक सुरक्षा के लिए कृषि कानून का समर्थन करना चाहिए। यह कृषि कानून किसानों की दशा और दिशा बदलने वाला है, आपका भविष्य बनाने वाला है, आपको उद्योगपति बनाने वाला है और टोटल गांव-गांव के किसान वहीं के वहीं अपना माल करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, निर्यात भी करेंगे और उत्पादन भी करेंगे। तो हम एमएसपी क्यों, एमआरपी पे बेचेंगे और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, यह है कानून। और इसलिए इसका साथ दीजिए, मोदी जी के समर्थन में खड़े होइए, मोदी जी को ट्वीट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि मोदी जी इस कानून को लागू करो, हम आपके साथ हैं। और ये बिचौलियों और विपक्षी पार्टियां जिन्होंने 73 साल तक हमको गुलाम बना के रखा, उनके हम खिलाफ हैं और आपके साथ हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।